गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 15 तारीख दिन बुधवार आजादपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मंडी में। लाइव क्वेश्चन देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, आज लहसुन की कितनी गाड़ी मार्केट में पहुंची, किस किस राज्य से इस समय लहसुन आ रहा है और फिलहाल जो है लहसुन का किस तरह का क्वालिटी आ रहा है जी, और किस राज्य का सबसे ज़्यादा इस समय मार्केट में लहसुन का प्रेशर है और भाव में कल के मुकाबले आज किस तरह का भाव रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A269 में अमृत ट्रेडिंग कंपनी, सर के पास जो लहसुन है कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया जी, आप बताओ जी। बढ़िया जी। सर जी, आज का कैसा माहौल है लहसुन का बाजार का और कितनी गाड़ी पहुंची है यहाँ पे? आज का माहौल तो हिमाचल के नाम पे है। अच्छा, आज का दिन तो हिमाचल दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, तो हिमाचल हिमाचल बिक रहा है दिल्ली मंडी में इस समय जी। 17 गाड़ी की आवक है हिमाचल से। अच्छा जी। 4 गाड़ी पंजाब की है, बाकी एक आधी गाड़ी छिपा की, एक गाड़ी एमपी की है। अच्छा, तो ज्यादा इस समय जो बोलबाला है उस समय हिमाचल का है, मतलब जोर जो है पूरा हिमाचल का ही है इस समय। पूरी डिमांड बनी हुई है हिमाचल की, खूब गर्म जोशी है जी। बड़ी खुशखबरी है हिमाचल हिमाचल वाले भाइयों के लिए। अच्छा, अच्छी डिमांड है, अच्छे रेट हैं, काम बढ़िया चल रहा है उनका। अच्छा, तो क्या स्टॉकिस्ट भी इस समय क्या यहाँ से ले जा रहे हैं हिमाचल के? हाँ, लेके जा रहे हैं, दिल्ली से माल बाहर जा रहा है, स्टॉक हो रहा है इस रेटों के अंदर। आगे उनको लग रहा है भविष्य तेज है तो वो ले जाके माल को स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, तो सर जी अभी अगर बात करें आज के बाजार का, तो बाजार क्या रेट खुला सर जी, और देखो बाजार किस तरह का इस समय? 120 से लेके और ये 225 तक का बाजार है। आज बाजार तेज है, ऊपर में बढ़िया माल 200-220 225 माल बिक रहे हैं ऊपर में। अच्छा, अच्छी गर्म जोशी बनी हुई है बाजार के अंदर। अच्छा, मालों को लेकर। तो सर जी एक बार एरिया के हिसाब से रेट बता दीजिए, किस किस एरिया का किस भाव? देखो अगर हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल 120 से लेके और 225 तक का रेट चल रहा है। अच्छा, वहाँ पंजाब का आप माने तो 70-80 रुपए से लेकर ऊपर 100-125 रेट चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, जैसे इसमें भी क्वालिटी होता है, साइज होता है, एक बार साइज के अकॉर्डिंग बता दीजिए तो थोड़ा सा विजिबल ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो बात करते हैं, पहले तो उस पे आ जाते हैं कोटा और उस पे आ जाते हैं छिपा बरोद, छिपा के ये माल आप माने कि 100 रुपए से लेकर ऊपर में 170 से तक बिक रहे हैं। अच्छा, जो अच्छी बॉक्स क्वालिटी है 170-180 तक बिक रहे हैं, बॉक्स क्वालिटी बढ़िया। अच्छा, और सर जी अगर बात करें ये अपना हरियाणा वाले माल का, तो हरियाणा के माल भी अच्छे बिक रहे हैं, वो भी 100-125-130 तक अच्छे माल बिक रहे हैं, बहुत स्पेशल माल 150 तक बिक रहे हैं माल। अच्छा, हरियाणा के भी, हरियाणा के हाँ, और जो कुली है हरियाणा की वो 70-80 बिक रही है बढ़िया कुली। अच्छा, तो बिक्री उसकी भी ठीक है। अच्छा, और फिलहाल जो है सर जी जो हिमाचल से माल आ रहा है तो वो किस तरह का क्वालिटी आ रहा है, अभी क्वालिटी कितना मेंटेन है सर? देखो क्वालिटी इस बार अच्छा है, बढ़िया। जो ऊपर के माल हैं, जो ऊपरी एरिया से माल आ रहे हैं, वो बहुत वाइट आ रहे हैं। अच्छा, वो माल बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, तो जो सिलाई एरिया से माल आ रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उनकी यहाँ डिमांड बनी हुई है। तो थोड़े नीचे वाले एरिया के माल है, हल्के से उनका रंग लाल है, पर वो बिक रहे हैं इस समय, कुछ कम रेट बिक पा रहे हैं, बिक्री हर माल की हो रही है इस समय। अच्छा जी, तो बाजार कल से और आज में क्या कुछ मतलब फर्क है सर? आज देखो हिमाचल माल में सुर्खी है, 10-15 रुपए की सुर्खी है हिमाचल के मालों के अंदर, क्योंकि हिमाचल डिमांड बहुत बनी हुई है। अच्छा, दिल्ली में भी डिमांड है, दिल्ली से बाहर की भी डिमांड बहुत आ रही है निकल के। अच्छा, तो सुर्खी अच्छी बनी हुई है इसके अंदर मालों में, और आगे ये सुर्खी बनी रहेगी कुछ टाइम के लिए। अच्छा, तो सर जी अभी अगर बात करें प्रोडक्शन मंडियों का, पीछे की मंडियों का, तो उधर कैसा माहौल है? वहाँ भी तेजी का माहौल है, स्टॉकेज वहाँ भी लगे हुए हैं इस समय, छिपा बड़ोद के अंदर, कोटा में, एमपी बाजार टाइट ही चल रहे हैं लगातार। अच्छा, बाजार नीचे नहीं आ रहे वहाँ पर भी। अच्छा, क्योंकि स्टॉकेज गर्म जोश चल रही है, खरीदारी चल रही है। अच्छा, उनको है कि भविष्य में लहसुन और तेज हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इस बार चाइना की फसल भी कुछ कमजोर बता रहे हैं। अच्छा, तो अगर चाइना नहीं आता बिल्कुल भी तो बाजार दिल्ली में अच्छे रहने चाहिए। अच्छा जी, तो मतलब ज्यादातर इम्पैक्ट डालता था चाइना का माल, अगर चाइना डालता है, अफगानिस्तान डालता है, ईरान डालता है, तो एटलीस्ट कम से कम चाइना का माल तो इस बार फसल कमजोर बता रहे हैं, तो वहां से तो माल बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, जो माल घूम के आया था पहले भी डायरेक्ट नहीं आ रहा था, तो वो माल नहीं आ पाएगा। बाकी ईरान का अब देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है ईरान की। अच्छा, उससे और पक्का आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, और सर जी अभी इस साल अगर फसल की अगर बात करें, हर साल के मुकाबले इस साल लहसुन कितना है सर, ज्यादा है या फिर कम है? देखिए 20 पैसे ज्यादा है पिछली बार से लहसुन। अच्छा, लेकिन डिमांड बहुत है, शुरू से ही स्टॉकेज जो है
गर्मजोशी में रहे हैं, उस करके माल की निकासी बहुत अच्छी हो रही है इस बार। अच्छा जी, मतलब इस बार जो है डिमांड अच्छा रहने वाला है। हाँ, तो पिछला तेजी थी तो इस बार भी सबको लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी, तो स्टॉक की शुरू से ही डे वन से ही जी अग्रसर है, लगा हुआ है माल, इसलिए कहीं भी मंडी डाउन नहीं हो रही है, अच्छा बाजार नीचे आ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ अच्छी बात है सर जी, हमारे हम तो चाहते हैं कि जो बाजार, देखिए हमारे किसानों के लिए जो भारतीय किसान है उसके बहुत खुशखबरी है, वो खुशहाल होंगे नेटो के अंदर, बहुत अच्छा काम करेंगे, जो उनको पीछे नुकसान लगे कई सालों से जो मद्दा रहा है वो नुकसान कवर होंगे उनकी जी, और जी। बहुत बढ़िया टाइम आ गया उनके लिए, और बहुत अच्छी बात है कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए जी, हाँ वो अलग नहीं होना चाहिए जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। देखिए फर्म है अमृत ट्रेडिंग कंपनी, शॉप A269 नई सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर 9811121269। धन्यवाद सर जी।